मङ्गलं पञ्चपरमिष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मण तस्मय संज्ञान रूपाए नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने इष्टोपदेश महान ग्रंथ का यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है इन क्या श्लोक है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है देवनंदी आचार्य जिनका अपर नाम पूज पा स्वामी है आध्यात्मिक भाषा में अज्ञानी से ज्ञानी बनाने की कला जो है ये इष्ट उपदेश के ग्रंथ हैं जैसे इसका नाम ही है इष्ट उपदेश इष्ट मतलब जो आपको अच्छा लगे आपको क्या इष्ट है क्या अभिप्सा है क्या इच्छा है जो आपको अच्छा लगे तो ऐसा आत्मा को अच्छा लगने वाला उपदेश जीव मात्र को अच्छा लगने वाला उपदेश जिसमें हो उसका नाम इष्टोपदेश है ऐसा इष्टोपदेश नामक ग्रंथ में हम देख रहे थे कि हमें आचार्य भगवान समझाने का प्रयास कर रहे थे कि एक करोड़ रुपये से एक करोड़ रुपए से तुम चाहो तो अपनी खली की दुकान खोल सकते हो और एक करोड़ रुपये से चाहो तो तुम हेरे पन्ने की दुकान भी खोल सकते हो यद्यपि एक करोड़ रुपये से खल की दुकान खोलोगे तो तुम्हें गोदाम भी लेना पड़ेगा क्योंकि माल ज़्यादा होगा और तुम एक करोड़ रुपये से नंदिता ननीता तुम हीरे की दुकान खोलोगे तो गोदाम नहीं लेना पड़ेगा एक पॉकेट में ही काम चल जाएगा जहाँ चाहोगे वहाँ दुकान चला लोगे जहाँ रहोगे वहीं दुकान तुम्हारी चल जाएगी एक, एक अंगूठी में भी तुम्हारा जो है वो एक करोड़ का हीरा जो है आ सकता है वो तुम्हारे साथ रह सकता है खली के टुकड़ों को तुम कितना ढोगे कहाँ कहाँ ढोगे वो बहुत लग जाएगा तो कह रहे हैं जब एक करोड़ रुपए से तुम्हें रत्न भी मिल सकता है और एक रत्ती भी रद्दी भी मिल सकती है रद्दी कागज की रद्दियां होती है ना जो खराब हो जाती है एक करोड़ में तो रद्दी की ढेर भी मिल सकते हैं और एक करोड़ में तुम्हें एक रत्न भी मिल सकता है बताओ समझदारी किस में दिखाओगे रद्दी लेना है या रत्न लेना है रद्दी का विकल्प ज्यादा है कि रत्न का विकल्प ज्यादा है रद्दी इकट्ठी हो जाएगी तो उसका रखने का रख रखाव का कितना ध्यान रखोगे कि कहाँ रखें कैसे रखें खराब ना हो जाए ये ना हो जाए रद्दी खराब हो सकती है ना और रत्न ए? कितने वर्षों तक हजारों वर्षों तक तुम रत्न को रखोगे स्वामी जी तो रत्न खराब होने वाला नहीं है एक करोड़ का रत्न लखोगे तो खराब नहीं होने वाला है जगह कम समय कम हर चीज कम और अपने साथ साथ जहां जाओ अंगूठी भी पहन लो जहां जाओ वहां तुम्हारे साथ साथ कोई चोरी कर लेगा कोई लॉकर तोड़ देगा कोई कर देगा कोई भी चिंता नहीं और एक करोड़ की रद्दी कागज की खरीद लो जगह चाहिए समय चाहिए आग न लग जाए कुछ हो ना जाए खराब वैसी हो रही है नष्ट वैसी हो रही है समय जगह सब कुछ रखने का गोदाम किराया सब लग रहा है कितना विकल्प है हुँ? जब दोनों ही एक करोड़ पर से इतनी वस्तुएं मिल रही हैं तो समझदारी किस में है क्या खरीदोगे क्या लोगे सौ रुपये का शराब भी मिल जाएगी और सौ रुपए में एक गिलास का बहुत बढ़िया दूध भी मिल जाएगा बढ़िया मलाई डाल करके हुँ? अब बोलो अपनी स्वस्थता के लिए तुम एक सौ रुपये में एक गिलास शराब पियोगे या सौ रुपये का बहुत सुंदर दूध पियोगे विवेकी कौन है यहाँ विवेकी की पहचान कराई जा रही है विवेकी व्यक्ति कौन है विवेकी वह है कि जो सौ रुपये भी खर्च करे और स्वास्थ्य भी प्राप्त करे अविवेकी वह है, अज्ञानी वह है कि सौ रुपये भी खर्च कर रहा है और अपना स्वास्थ्य भी खराब कर रहा है हुँ? कभी कभी मुझे लगता है कि आदमी से अच्छा तो गधा अच्छा है हमारे आचार्य गुरुदेव विद्यान महाराज जी कहते थे कि गधे के सामने तमाकू रखो और घास रखो बताओ वो क्या खाएगा एक टोकरे में घास रख दो एक टोकरे में तमाकू रख दो और गधे को गधे को छोड़ दो और जाएगा तो क्या खाएगा क्योंकि उसे पता है घास से उसे पेट भरेगा उसका जीवन स्वस्थ रहेगा उसे फुर्ती मिलेगी उसे शक्ति मिलेगी और उसे ये भी पता है कि घास जो है हमारा भोजन है ये तमाकू जानवरों का भोजन है तमाकू किसका भोजन है वो अपने को जानवर थोड़ी मान रहा है वो जो खा रहे हैं तमाकू वो उसको जानवर कह रहे हैं कि ये जो भोजन है वो जानवरों का है हम जैसे सच्चे इंसानों का नहीं है वो इंसान है जो घास खा रहा है वो क्योंकि अपना भोजन जानता है वो और तमाकू नहीं खा रहा है पानी रखो शराब रखो पानी शराब नहीं पिएगा वो पानी को पी जाएगा उसे पता है कि ये ये दो पैर वाले एक नई प्रजाति पैदा हुई है जानवरों की जो भूमंडल में बहुत घूमते रहते हैं दो पैर वाले जानवर पैदा हुए हैं वो इनका भोजन है मेरा अब सोचो वो जानवर विवेकी वो जानता है कि मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना अपने शरीर के लिए और हम जो है कुछ भी लेते रहते हैं तो ये बात यहां पर कह रहे हैं कि हे विवेकी इतहा चिंता मणि दिव्य इतहा पिंड खंडकम ध्यान चेत भी उभे ये दोनों ही ध्यान से प्राप्त किए जाते हैं शरीर भी ध्यान से प्राप्त किया जाता है और शुद्ध आत्मा भी ध्यान से प्राप्त किया जाता है तो बता तुझे क्या चाहिए संसार की समस्त भोग वस्तुएं भी ध्यान से प्राप्त की जाती है और संसार से हटकर के अनंत अपने गुणों की प्राप्ति भी आत्मा में ध्यान से प्राप्त की जाती है बता तुझे क्या चाहिए जब दोनों का ही कारण ध्यान है और ध्यान में लगने वाला समय भी वही है तो फिर समय और ध्यान अच्छा क्यों ना कर लिया जाए समय का सदुपयोग भी अच्छा कर लिया जाए और ध्यान भी फिर शुभ और शुद्ध कर लिया जाए शुभ और शुद्ध कर लिया जाए तो तुम्हें चिंतामणि रत्न मिल जाएगा अर्थात अपनी आत्मा का स्वरूप मिल जाएगा यहां पर शिष्य पूछता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है हम कैसी अपनी आत्मा का ध्यान करें आपने बता तो दिया चिंतामणि रत्न ले लो हमें चिंतामणि के बारे में पता ही नहीं हम क्या ले लें हमें तो आज तक अनादि तक खली के टुकड़े ही पते थे शरीर का ही ज्ञान था तो हम शरीर में ही फंसे रहे शरीर की चाहे करते रहे किसी के शरीर को देख के कितना सुंदर शरीर हमें ये मिल जाए उसका ऐसा शरीर उसका हमें ये मिल जाए तो हम तो हमेशा शरीर की भावना भाते रहे शरीर को देखा और शरीर की भावना भाई है हमने आत्मा को नहीं देखा और आत्मा की भावना नहीं भाई है तो हमें बता दें हमें खली के बारे में तो बहुत पता है हमें चिंतामणि रत्न के बारे में नहीं पता है हमें नकली हीरों हीरो के बारे में तो बहुत पता है हमें असली हीरो के बारे में नहीं पता है हमें आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी जो है उसके बारे में तो बहुत पता है पर असली ज्वेलरी जो है उसका ज्ञान नहीं है तो भैया उसके लिए जहरी बनना पड़ेगा पंसारी तो अनादिकाल से थे पंसारी तो अनादिकाल से थे उसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है क्योंकि संस्कारी वही है खाने पीने के जहरी के लिए तो एक अध्ययन है एक अभ्यास है साथ साथ बैठना पड़ेगा जो अनुभवशील है उसके साथ बैठना पड़ेगा माता जी जौहरी बनने के लिए जौहरी की दुकान में बैठना पड़ेगा उसका ज्ञान लेना पड़ेगा ज्ञान से काम नहीं चलेगा वो तो ज्ञान बता देगा कि इसका एक परीक्षण यह है लेकिन उसके साथ साथ जिसको इसका ज्ञान है उसके साथ बैठना पड़ेगा और फिर साथ, साथ बैठते बैठते स्वयं ही उसका सौ करना पड़ेगा उसका अनुभव करना पड़ेगा कि हाँ ये है हीरा इसकी आवाज़ इसकी टंच इसका ये इसकी चमक उसकी किरण इन सब से रत्न परीक्षा करके फिर आपको असली हीरा आपके हाथ में आएगा ऐसे ही अपनी शुद्ध आत्मा भी तभी प्रकट होगी हम शास्त्र से आगम से पढ़ तो लेंगे कि आत्मा का स्वरूप ये है और लेकिन जो आत्मा को जानते हैं उनके पास बैठना पड़ेगा उनसे अनुभव लेना पड़ेगा और इसके बाद फिर आपको स्वयं आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा तो यही आत्मा का स्वरूप बताने के लिए आज श्लोक नंबर है इक्कीस उच्चारण करेंगे स्व संवेदन स्व संवेदन सुव्यक्त सुव्यक्त तनो मात्रो तनु मात्रो नरत्ययः नृत्ययः अत्यंत अत्यंत सौख्यवानात्मा सौख्यवानात्मा, सौख्यवानात्मा लोकालोक लोक लोक विलोकिनः विलोकिनः लोकालोक विलोकिनः लोकालोक विलोकिनः स्वसंवेदन लोक विलोक सूव्य तस्से तनु मात्रो निरत्य अत्यंत आत्मा लोका लोक विलोकिनः इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा और इसका जो अर्थ है वो देखिए आत्मा आत्मा स्वसंवेदन आत्म अनुभव द्वारा सुव्यक्त स्पष्ट प्रकट है तनु शरीर मात्रा मात्र निरत्य अविनाशी है अत्यंत सौखवान अत्यंत अनंत सुख वाली है लोका लोक, लोक और अलोक को विलोकना जानने देखने वाली है यहाँ पर जो है कुछ बातें कही गई हैं आत्मा के बारे में कि आत्मा कैसा है एक तो स्व संवेदन से जानने वाला है आत्मा का अनुभव कैसे हो रहा है आपको अनुभव हो रहा नहीं हो रहा आत्मा का हुँ? मैं आपको सुना रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा नहीं दे रहा है तो कौन सुन रहा है तो आत्मा और आपको सुनने में कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है आपको मज़ा आ रहा है कि आनंद आ रहा है आपको सुनने में मुझे मज़ा आ रहा है या आनंद आ रहा है हो आनंद आ रहा है तो ये आनंद कौन ले रहा है शरीर ले रहा है मस्तक ले रहा है हृदय ले रहा है या आत्मा ले रहा है हुँ? हाँ ये आनंद यदि सुनने का यदि शरीर ले तो मुर्दा भी ले उसके कानों में आवाज़ पहुंच रही है ना पर वो सुन नहीं पा रहा है क्यों नहीं सुन पा रहा है क्योंकि जो सुनने वाला था वो चला गया हम्म ये माइक जो है चल रहा है क्योंकि इसमें करंट आ रहा है करंट आना बंद कर दे तो क्या होगा माइक चलना बंद फिर बोलो खूब बोलो तो इस माइक से फिर आपको आवाज़ आना चाहिए ना फिर क्यों नहीं आ रही है आवाज़ क्योंकि इसमें एक जो धारा थी विद्युत धारा थी वो विद्युत धारा जो है वो चली गई है लाइट गोल हो गई तो आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं घर में जितने भी उपकरण हैं जो तो लाइट से जलने वाले हैं वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे बल्ब बंद हो गया पंखा बंद हो गया एसी बंद हो गया फ्रिज बंद हो गया गाड़ियाँ बंद हो ये सब क्यों क्योंकि इसमें जो किसकी धारा थी एक करंट था अच्छा करंट दिखता है तुम्हें नहीं, नहीं।, नहीं दिखता देखो ना जरा उसमें खोल के देखो छू के देखो जरा करंट को छू के देखो तो करंट दिख जाएगा तुम्हें तब भी करंट दिखेगा थोड़ी ऐ करंट को छूने से महाराज जी करंट दिखेगा नहीं करंट का क्या होगा स्वामी जी हो अनुभव होगा कब अनुभव होगा जब झटका जब दूर फेंकेगा ना या चिपका लेगा तो करंट का अनुभव होगा जब तुम कप कपाओगे ठीक है ना तो करंट दिखता नहीं है करंट का अनुभव होता है और बिना करंट के कोई भी ये लाइट वाले उपकरण जलते नहीं है ये सब उपकरण हैं ये प्रकाश तभी देंगे जब उसमें करंट आएगा पर वो करंट दिखेगा नहीं उसको छू करके के तुम करंट का अनुभव तो कर सकते हो ऐसे ही एक करंट है वो आत्मा वो आत्मा है जब ये आत्मा इस शरीर में रहती है तो करंट है तब वो आंखें देखने का कान सुनने का एक माध्यम बनती है एक अवलंबन बनती है लेकिन देखने सुनने वाला कौन है वो आत्मा स्व संवेदन जो स्वयं के वेदन से स्वयं के अनुभव से ज्ञात हो वो आत्मा है हम जो आनंद ले रहे हैं वो आत्मा है जो हम दुखी हो रहे हैं वो आत्मा है जो हम सुखी हो रहे हैं वो आत्मा है जो हम क्रोधी हो रहे हैं वो आत्मा है हम करुणावान हो रहे हैं वो आत्मा है बिना अनुभव के तो एक पल भी हमारा जीवन नहीं है एक पल भी हमारा जीवन नहीं है बिना अनुभव के जिस समय तुम अच्छे विचारों का या बुरे भावों का या सुख का या दुख का अनुभव नहीं ले रहे हो हर जीव स्वसंवेदन वाला है हर जीव स्वसंवेदन वाला है बस अंतर इतना है कि स्व का संवेदन कैसे हो रहा है दुख रूप हो रहा है सुख रूप हो रहा है आनंद रूप हो रहा है कौन से रूप हो रहा है ज्ञान रूप हो रहा है जो ज्ञाता दृष्टा रूप हो रहा है कौन सा अनुभव हो रहा है निराकुलता का हो रहा है आकुलता का हो रहा है पर स्वसंवेदन तो आत्मा है ही है उसे कोई कोई नकार नहीं सकता है ऐसी स्वसंवेदन वाली आत्मा हमारी है शेष विषय को और समझेंगे समय हुआ जावाणी के ज्ञान से सुजे लो का लो मस्तक सदा वाणी धो हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन जो तेरी सरना धरे सबको बहुत मंगल आशीर्वाद कार्यक्रम पाठशाला के पुण्य अर्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर लोधी कॉलोनी दिल्ली